हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त चल रहा है। चलिए, आज हमारे एजुकेशन चैनल द एजुकेशन मंत्रा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सब लोगों के लिए रीजनिंग, सिपाही के लिए, एसएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जहां रीजनिंग आती है, मैं बिल्कुल मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे ये हर उस जरूरत स्टूडेंट, हर उस विद्यार्थी के पास ये पहुंच सके जिसको इस चीज की जरूरत है। तो चलिए, देखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बताया था। आज हम उसी के आगे, जैसे कि देखिएगा, बिल्कुल कल के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, और यहां इसके जो है केंद्र से रेखाएं गुजर रही हैं, और इसमें पूछा गया था कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर एक और देख लेते हैं। ये है, और एक देखिएगा, एक और, ये दो त्रिभुज हम एक साथ बना रहे हैं। बिल्कुल, हमको बताइएगा इन दोनों त्रिभुजों में क्या अंतर है। ठीक है, देखिएगा, ये है और ये है, इन दोनों में देखिए कोई अंतर है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। इस टाइप के हम आपको सवाल बता चुके हैं, इस टाइप के सवाल हमको आपको समझाना है और बताना है, और ये बताना है कि बिल्कुल विद इन सेकेंड देखते ही इस त्रिभुजों की संख्या का कितना उत्तर होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप काउंट कर लीजिए, एक दो और तीन। ठीक है, मैंने कहा था इनको काउंट कर लीजिएगा, तीन दो पांच एक छह हो गए। इसके अलावा मैंने बताया था कितनी रेखाएं इसको काट रही है, तो एक रेखाएं काट रही है, और जब एक रेखा काट रही है तो एक ज्यादा यानी दो दो, ठीक है, और इसी में गुणा कर दीजिएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये हमारे कल की वीडियो में था। अगर दोस्तों ये चैनल, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है त्रिभुजों की संख्या, तो वहां जाके आप प्लेलिस्ट में जो है आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा, हम आज ये बताने वाले हैं, आज आपको हम इस त्रिभुज में बता रहे हैं, क्योंकि यहां देखिएगा जो रेखा है वो शीर्ष से है। कहां से है? शीर्ष तल से है, ठीक है ना। तो शीर्ष, जब शीर्ष तल से रेखाएं जाती हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो देखिएगा यहां भी बिल्कुल देखिएगा, वो प्रोसीजर तो होगा ही होगा, वो प्रोसीजर होगा ही होगा। तो पहले देखिएगा, एक है दो है, मैंने कहा दोनों को ऐड कर लो तीन, और इसके बाद जो है कितनी रेखाएं गई हैं शीर्ष तल से? एक रेखा गई है, तो इसमें किससे गुणा करोगे? दो से गुणा करोगे। जब दो से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? छह। ये चीजें बिल्कुल यहां से थी, लेकिन मैंने कहा था जब भी शीर्ष तल से कोई रेखा जाती है तो एक चीज और करना होता है, वो चीज ये करना होता है कि देखिएगा यहां पर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो दोनों कितना हो गया? एक एक दो हो गया, छह दो आठ, यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? आठ हो जाएगी। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेशन में जाके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल एक जो है हमने रेखा शीर्ष तल से कर दिया, और एक रेखा जो है बिल्कुल इसके यहां से काट दिया इसको मैंने। अब बताइए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल वही सेम तरीका होगा। सबसे पहले देखिएगा, एक और दो, कुल त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद मैंने बताया था यहां पर देखो, एक और दो रेखा, मैंने कहा था इस संख्या में 3 से गुणा कर दीजिए। एक और दो मैंने कहा था, एक संख्या बढ़ा के 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 * 3 = 9 हो गया। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी कोई भी रेखा शीर्ष तल से अगर गुजर रही है तो हमको एक चीज और सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा करनी है। क्या एक्स्ट्रा करनी है? एक और दो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, एक और दो कितनी हो गई? दो, एक एक दो यानी 9 * 2 = 11। इसका उत्तर कितना हो गया? 11 हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेशन में आप टाइप कर दीजिएगा, हम कल की क्लास में एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज कराएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बैक टू बैक हमारे साथ आप बने रहिए, और हम आपको बिल्कुल त्रिभुजों की संख्या, आयतों की संख्या, वर्गों की संख्या विद इन सेकेंड आपको करवाएंगे। ये हमारी गारंटी है, आप लिख के ले लीजिए, और बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। ठीक है, देखिएगा यहां पर मैंने एक और
दो तीन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक केंद्र, एक जो है शीर्ष तल से मैंने कर दिया, एक यहां से कर दिया, एक यहां से कर दिया। अब हमको बताइए कमेंट सेशन में इसका क्या उत्तर होगा। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले तो इसका नंबरिंग करना, एक दो तीन और चार। तो सबसे पहले नंबरिंग करके इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चार तीन सात, दुई नौ एक दस, कितना हो गया, ये 10 हो गया। और मैंने कहा था कितनी रेखाएं हैं, तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और एक ज्यादा, चार, ठीक है ना। हमेशा रेखाओं से एक ज्यादा, जितनी रेखा है एक ज्यादा। तो 10 चौक कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, बस हमको एक चीज चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चीज छूट रहा है हमारी आंखों से। क्या छूट रहा है, यहां पर देखिएगा शीर्ष तल से एक रेखा चली गई है। तो शीर्ष तल से जब भी रेखा गई हो तो एक चीज को हमें और ऐड करना होगा। वो क्या ऐड करना होगा, तो देखिएगा एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, कुल कितने हो गए, चार हो गए। चार इसमें और आप जोड़ दीजिए तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 44, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से बैक करके देख सकते हैं या हमारे कमेंट सेशन में जाके टाइप करिए, हम कल की क्लास में इसको फिर बताएंगे। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि समझ में तो बिल्कुल आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो तरीके से हम इस चीज को करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया, मैंने इस बार चार किया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक रेखा शीर्ष तल से कर दिया, तो मामला थोड़ा बदलेगा, एक दो तीन, तो एक दो तीन एक चार, एक और ले लें पांच, ठीक है। तो देखिएगा अब इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या याद करना है, ठीक है ना। इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे बताइए, कुल त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी त्रिभुज इसमें होंगे, ठीक है, बिल्कुल बताइए आप। चलिए हम कर रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले एक दो तीन चार पांच, ठीक, सबको नंबरिंग करना है। तो एक पांच चार नौ, तीन बारह, बारह बारह दुई चौदह, एक पंद्रह, ये तो पंद्रह होगा ही। अब देखते हैं कितनी रेखाएं हैं, तो कितनी रेखाएं हैं, तो देखिएगा एक रेखा, दो रेखा, तीन, चार और पांच, हमने बताया था एक ज्यादा, पांच ही है ना। देखिएगा एक दो तीन चार पांच, एक ज्यादा, तो पंद्रह छक्का 90, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हमको एक चेक करना है कि कोई रेखा शीर्ष तल से तो नहीं है, एक रेखा शीर्ष तल से है। तो जब भी शीर्ष तल से कोई रेखा गुजरे तो बिल्कुल देखिएगा यहां वाला, नीचे वाला काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा एक यहां बनेगा, एक एक्स्ट्रा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, तो टोटल एक दो तीन चार पांच, इसमें जोड़ दीजिए पांच, कितना त्रिभुज हो गया, 95। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 95 हो गई, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, बिल्कुल यहां करते हैं, यहां भी आपको दिख रहा है ना त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या। तो देखिएगा एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक दो तीन चार पांच और एक जो है केंद्र से मैंने गुजार दिया शीर्ष तल से, ठीक है। तो बताइए यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या क्या बतानी है आपको, त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना, एक दो तीन चार पांच छह सात, और सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो सात छह 13, 5 18, 4 22, 3 25, 25 दो 27, 28, ठीक है, तो 28 कर दीजिएगा। अब यहां देखिएगा कितनी रेखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, मैं
देखिएगा, एक दो तीन चार पांच छह रेखा है, तो हमने बताया था एक ज्यादा, छह से एक ज्यादा, तो 27 हो गया। तो इसका आप गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 8 सते 56 और 14 5 19 196। ठीक है, तो 196 तो आ गया, लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना है कि भैया शीर्ष तल से कोई रेखा तो नहीं गई है, तो आपने देखा एक रेखा शीर्ष तल से गई है, तो इसको नंबरिंग करना है, तो एक दो तीन चार पांच छह एक सात, तो इसमें सात आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो सात छह 13, नौ एक 10, ठीक है ना, देखिएगा सात छह 13, नौ एक 10, एक एक 2, तो यहां पर कितनी त्रिभुज हो गई, 203 हो गई। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, इसको देखिएगा बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में बना लीजिए और लिख लीजिए रिवीजन के लिए, और अगर नहीं भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। दोस्तों कंफर्म है किसी भी एग्जाम में अगर त्रिभुजों की संख्या आएगा तो यहां से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर कुछ खुराफात करेगा, यानी एग्जामिनर अगर कुछ एक्स्ट्रा देना चाहेगा तो बस यही दे देगा, शीर्ष तल से एक रेखा दे देगी। लेकिन आपको पता है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो हमने आपको शीर्ष तल से बता दिया है कि जब भी कोई रेखा शीर्ष तल से गुजरेगी तो एक चीज हमको एक्स्ट्रा करना है, वो एक्स्ट्रा ये करना है कि शीर्ष तल के नीचे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना है, एक 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 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा और बस उसी को हमको ऐड करना होगा, उसी को हमें क्या करना होगा, उसी को हमें जोड़ देना होगा। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हमारे एजुकेशन चैनल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे जाके इसको आप दोबारा देख सकते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज और आपके लिए बता दें, अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टडी मटेरियल, ठीक है, कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ पीडीएफ भी आपको मिले, तो हमारे एजुकेशन चैनल यूट्यूब द एजुकेशन मंत्रा के बिल्कुल नीचे प्ले बॉक्स में देखिएगा, हमारा जो है लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां पर बिल्कुल जुड़ जाइए और वहां पर निःशुल्क पीडीएफ लीजिए। हमारे द एजुकेशन मंत्रा के नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां आपको जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो एक और बड़ा सा प्रश्न हम करवा ले रहे हैं, इसके बाद इस टाइप के प्रश्न को खत्म करते हैं, ठीक। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लें, ठीक। अब देखिएगा ये हो गया, अब इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज हुआ। देखिएगा मैंने एक को केंद्र से गुजार दिया, जब एक को मैंने केंद्र से गुजार दिया, यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए कितना होगा, इसमें का आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। चलिए बिल्कुल बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो भैया नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, तो सभी को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखिएगा 8 7 15 5 20 6 26 26 26 4 30 3 33 33 2 35 1 36 36 हो गया, और देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, एक ज्यादा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक ज्यादा, तो एक ज्यादा करेंगे तो 8 है 9 9 का गुणा करेंगे 36 में कितना जाएगा 324। लेकिन एक चीज चेक करना है, वो चीज क्या चेक करना है कि केंद्र से मतलब इसके शीर्ष तल से तो कोई रेखा नहीं गई है, तो जी हाँ इसके शीर्ष तल से रेखा गई है, तो देखिएगा शीर्ष तल से कोई रेखा जाती है तो एक मतलब बिल्कुल देखिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा टोटल 8 ही बनेगा, तो इसमें आप 8 ऐड कर दीजिएगा, तो 8 4 12, ठीक है, 2 1 3 332 त्रिभुज हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों त्रिभुजों की संख्या किसी भी प्रकार का अगर आयोग देता है तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक अगला टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आए हैं, अगले टाइप में क्या है देखिएगा, ये है एक जो है
त्रिभुज में ही अभी चल रहे हैं, एक त्रिभुज है ठीक है, ये त्रिभुज है ठीक। और इसके बाद देखिएगा हम यहां पर एक त्रिभुज और बना ले रहे हैं ठीक है, इसके बाद एक त्रिभुज यहां पर और हम बना रहे हैं ठीक है। आप भी हमारे साथ बनाइए तो देखिएगा, एक सेकेंड ठीक। अब बताइए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, चलिए बताइए देखिएगा। अब ये ऐसे अगर सवाल पूछता है ठीक है, ऐसे सवाल पूछता है तो एक फार्मूला टाइप में करेंगे, वो फार्मूला क्या है, छोटे त्रिभुजों की संख्या लिख लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा, छोटे त्रिभुजों की, छोटे त्रिभुजों की संख्या ठीक है, कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, गुणे दो कर दीजिएगा, गुणे दो और माइनस पांच करना मत भूलिएगा, ये है इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या ठीक है। देखिएगा दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे त्रिभुज में भी, त्रिभुज कई त्रिभुज बना दे तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच कर दीजिएगा। आपसे बड़ा सा दिया, बहुत बड़ा बॉक्स दिया है, बहुत बड़े त्रिभुज दिए हैं, हजार त्रिभुज दिए हैं, फिर भी इसी से आपका उत्तर आ जाएगा, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू टू माइनस पांच। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले तो त्रिभुजों की संख्या आप काउंट करो, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है ठीक है, ये यहां पर है, ये यहां पर और एक यहां पर है ठीक है। तो देखिएगा कुल कितने त्रिभुज हो गए, नौ त्रिभुज हो गए ठीक है। देखिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, कुल कितने त्रिभुज हो गए, नौ त्रिभुज हो गए। तो हमने आपको इसी फॉर्मूले के अनुसार बताया है छोटे त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हुई, नौ, छोटे त्रिभुजों की संख्या नौ गुणे दो, कितना आ गया, नौ दुनी अठारह। लेकिन एक चीज है भैया, माइनस पांच करना है, भूलिएगा मत, माइनस पांच तो ठीक है, अगर पांच इससे घटा दिए तो कितना आ गया, तो तेरह आ गया। तो यहां कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर तेरह, ये उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको रफ हम कर दे रहे हैं, बना लीजिएगा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कमेंट सेशन जिंदाबाद ठीक है, वहां जाके आप टाइप करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है हम अगली कक्षा में उसको जरूर दूर करेंगे। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं ठीक है, एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिएगा हम बना रहे हैं, हमारे साथ आप भी बनाते रहिए। हाँ देखिएगा एक त्रिभुज जो है हम यहां ले रहे हैं ठीक है, इसके बाद इसको त्रिभुज ही इसको यहीं मिलाइएगा आधार के लिए ठीक है, थोड़ी हमारी कला कमजोर है तो उससे दिक्कत नहीं है, आपको त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करनी है, वहां आपको बना बनाया देगा, वहां किसी कला का प्रदर्शन नहीं करना है पेपर में। ठीक है बनाते रहिए साथ में, दिक्कत हो तो एक और ऐसे मान लीजिएगा यहां पर है ठीक है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, कुल त्रिभुजों की संख्या, चलिए बताइएगा ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहली चीज है कि कुल त्रिभुजों की संख्या, मैंने कहा था अगर ऐसे आए तो छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू टू माइनस पांच,
तो छोटे त्रिभुजों को हम काउंट कर ले, देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, ग्यारह गुणे दो कितना आ गया, ग्यारह दुनाई बाईस। लेकिन एक चीज ध्यान देना, माइनस पांच तो कितना हो गया, सत्रह उत्तर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो बताइएगा कमेंट सेशन में। चलिए एक और हम आपको दे रहे हैं, बताइएगा यहां देखिएगा। ठीक, चलिए इसका बताइएगा कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, एक यहां से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। तो हमने आपको बताया है कुल त्रिभुजों की संख्या, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तेरह कूड़े दो तेरह दुनाई छब्बीस, बस माइनस पांच करना मत भूलिएगा, इक्कीस। यहां कितने त्रिभुज आ गए, इक्कीस आ गए। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, जो भी त्रिभुजों की संख्या आपका आयोग आपसे पूछता है, चाहे सिपाही का पेपर हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, चाहे यूपीएसआई हुआ या पीसीएस का एग्जाम हुआ, अगर वहां त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो उम्मीद करते हैं दोस्त अब आपसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलता रहे समय पर। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, एक मैंने आयत लिया, ठीक है, और मैंने बताया इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको लगेगा इसमें तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक जो है शीर्षतल से एक रेखा मैंने मिला दिया, तो आपने कहा एक और दो त्रिभुज मिला, ठीक है, लेकिन एक और मैंने सरल रेखा इसको इधर से मिला दिया, तो कितने होंगे, चार, नहीं गलत हो जाएगा। अब यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आठ होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा एक त्रिभुज तो यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, ये तो चार फिक्स हो गए। लेकिन देखिएगा जब इसी आयत को हम जो है ऐसे करते हैं, तो एक यहां, और जब इसी आयत को देखिएगा हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो एक यहां बनेगा, एक त्रिभुज जो है यहां बनेगा और एक त्रिभुज यहां बनेगा। तो देखिएगा चार प्लस दो चार और दो छह प्लस आठ, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आठ होगी, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीजें थी, लेकिन इसको आपको करना नहीं है। देखिए किसी भी आयत में अगर त्रिभुजों की संख्या पूछा है और दोनों शीर्ष तल एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है। इसको कहीं लिख लीजिएगा, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या आठ होती है। आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, आठ होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, किसी आयत या वर्ग में आप लोगों ने एक निर्मीय पढ़ा होगा, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखा की दोगुनी होती है। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या दुगनी होती है, कितनी होती है, दुगनी होती है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, हम कल के वीडियो में यही प्रश्न आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताया, वर्ग मतलब जो है सबसे पहले त्रिभुज निकालना बताया, त्रिभुज निकालने के बाद मैंने आपको जो है त्रिभुज में किस प्रकार का चेंज कर सकता है आयोग, वो भी मैंने आपको चेंज करना भी बताया। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया, किसी आयत या वर्ग में कितने त्रिभुज होते हैं, आठ त्रिभुज होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती, आठ होती है। अच्छा, क्यों आठ होती है, मैंने आपको बता दिया, एक एक त्रिभुज करके एक्सप्लेन भी किया। इसके अलावा मैंने एक परिमेय आपसे मैंने बताया कि क्लास सिक्स सेवंथ या टेंथ के स्टैंडर्ड में होगा, किसी आयत या वर्ग में केंद्र से गुजरने वाली त्रिभुजों की संख्या हमेशा दुगनी होती है। किसी आयत या वर्ग में केंद्र से गुजरने वाली त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, दुगनी होती है। जैसे देखिएगा ये है, मैंने आपसे कहा ये आयत है और यहां से
केंद्र से गुजर रही रेखा, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? आठ होंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, एक दो तीन और चार। मैंने कहा क्या, किसी आयत या वर्ग में केंद्र से गुजरने वाली त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? दुगनी होती है। तो चार है, चार गुनाए आठ। तो हमारा वीडियो मित्र कैसा लगा आप लोगों को, हमारे कमेंट सेशन में जाके आप टाइप करिए, जिससे हमको एक ऊर्जा मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। बस धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।